माँ बाप के लिए एक फरिश्ता के तरह बन करके अपने आप को जो है एक अनाथ आश्रम रहता है, जब भाई लोग इनको निकाल देता है माँ बाबू जी को, तो ये लोग ले जा करके। अच्छा, इस फिल्म को आप देखें पूरा और पिक्चर से हटके देखा गया है, इन्होंने किया है, बहुत मेहनत किए खेसारी लाल जी। हीरोइन भी जो है ईटा खुद ढो रही है बेचारी। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव में सबसे अच्छा एक्ट कौन करता है? तक ये फिल्म चौथा दिन है, फिल्म कितना कमाई किया है? अभी हम पटना के वीना सिनेमा के सामने खड़ा है और ये अंकल जो टिकट काटते हैं खेसारी लाल यादव का फरिश्ता फिल्म का, आज चौथा दिन है और चौथा दिन में कितना ये फरिश्ता कमाई किया हम जानने का कोशिश करेंगे। देख सकते हैं कि हम लोगों के पीछे खेसारी लाल यादव का फरिश्ता का जो कि पोस्टर लगा हुआ है और पागल का रोल, बता दें कि आप लोगों खेसारी लाल यादव इस फिल्म में पागल का रोल किए हैं जो कि काफ़ी दर्शक इस फिल्म को पसंद कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ट्रू बिहार में अंकल स्वागत है आपका। स्वागत है। टिकट आप काट रहे हैं तो आज तक की फिल्म चौथा दिन है, फिल्म कितना कमाई किया है? सेल बन जाता है, उसके बाद सब क्लोज होता है, सप्ताह में एक दिन हम लोग क्लोज करते हैं और उस दिन हिसाब करते हैं। तो अभी तक तो हमारे यहाँ 2-3 दिन तक हाउस से फुल गया है। हाँ। आज भी मिला जुला के ठीक है, कोई खराब। अच्छा, सेल नहीं है। 2-3 दिन हाउस फुल गया है? हाँ, 2-3 दिन हमारे यहाँ हाउस फुल गया, चौथा दिन है जो कि आज थोड़ा सो रहा, ऐसा भी नहीं रहा, फुल तो नहीं हुआ है 200, लेकिन सेल बहुत अच्छा रहा, उसमें कोई कहने लगे थोड़ा। आप लोगों को बता दे कि दर्शक इस फिल्म को काफ़ी पसंद कर रहे हैं, इस फिल्म में जो हीरोइन है वो मेघाश्री है और खेसारी लाल यादव का लुक बता दे कि एक पागल के तरह वो ये इस रोल में कास्ट निभाए हैं। अच्छा चचा, इस फिल्म का सभी फिल्मों से लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं? देखिए, पसंद तो बहुत दर्शक लोग किए हैं इस पिक्चर को, इसमें दो मत नहीं। आप पागल का भी रोल वैसा नहीं किए हैं जो कि कोई कह सकता है कि एकदम पागले है, वैसा भी नहीं है, वो दर्शाया गया है, दिखाया गया है बहुत अच्छा, मतलब कि वो अपना काम किए हैं, माँ बाप के लिए एक फरिश्ता के तरह बन करके अपने आप को जो है एक अनाथ आश्रम रहता है, जब भाई लोग इनको निकाल देता है माँ बाबू जी को, तो ये लोग ले जा करके। अच्छा, इस फिल्म को आप देखे हैं पूरा? देखे ना पूरा? देखे नहीं अभी तक, हमको टाइम नहीं मिला है इसलिए हम नहीं देखे हैं, थोड़ा सा झलक देखे हैं जो कि घर से निकाल देने के बाद वहाँ जाते हैं अनाथ आश्रम में, तो खेसारी लाल जी का वो अनाथ आश्रम रहता है जो कि माँ बाप को एक फरिश्ता से भी बढ़ के उस आदर कदर सम्मान अच्छा, देते हैं। हाँ। और बहुत अच्छी तरह से जो है सब माँ बाबू जी के लिए, बाबू जी इनको पीट रहे थे, यो कहने बाबू जी आपको चोट लग रहा है, हाथ में आपको चोट लग रहा है, ये सब दर्शाया गया है। एक बिल्डिंग बनाते हैं, अपने कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, सब चीज मिला जुला करके बहुत बढ़िया, मतलब की कहानी है, इसमें कोई दुमत नहीं है। आप लोगों को बता देंगे काफी चीज जो है इस पिक्चर में एक नया दिखाया गया है और पिक्चर से हटके दिखाया गया है, इन्होंने किया है, बहुत मेहनत किए खेसारी लाल जी। हीरोइन भी जो है ईटा खुद ढो रही है बेचारी बिल्डिंग बनाने के लिए, सब मिल करके जमीन दे करके उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ठहरा करते हैं, बहुत बड़े आदमी बन जाते हैं खेसारी लाल जी। माँ बाप के लिए वो एक पागल सा रोल किए हैं जबकि माँ बाप को पाने के लिए एक पागल हो जाते हैं। आप लोगों को बता दें कि काफ़ी सारे लड़के जो होते हैं वो लड़कियों के प्यार में पागल हो जाते हैं, लेकिन खेसारी लाल यादव जो ये रोल किए हैं ना, आपने माँ बाप के लिए पागल हुए, सही बात है अंकल? और हम तो कहेंगे कि पूरा फैमिली मिल करके इस पिक्चर को देखिए, तब समझिएगा जी क्या है, बहुत अच्छी मतलब की कहानी, स्टोरी, मारपीट, रोमांस, सारा चीज़ है इसमें, और कहीं से भी देखिए तो उठने का मन नहीं करेगा। अच्छा, एक बात पूछेंगे अंकल आपसे कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव में सबसे अच्छा एक्ट कौन करता है, सबसे अच्छा रोल कौन करता है? देखिए, अभी तो खेसारी लाल जी ऊपर गए हैं, लेकिन पवन जी भी उनसे कम नहीं हैं। हाँ। उनका एक पिक्चर आ रहा है गंगा जल। हाँ। हर गंगे। हाँ, इनका आ रहा है संघर 2। हाँ। तो दोनों पिक्चर जब आ जाएगी तब पता चलेगा जी कौन ऊपर है कौन नीचे है। लेकिन आप लोगों को बता दें कि जो संघर्ष 2 है खेसारी लाल यादव का, काफ़ी बॉलीवुड और हॉलीवुड जैसा वो फिल्म बनाया है और इसका वो कहे तो इससे अच्छा वो फिल्म होने वाला है और काफ़ी दर्शक जो चाह रहे हैं कि फरिश्ता 2 भी है। आपको लग रहा है खेसारी लाल यादव इस फिल्म जो कमाई किया है इसको देख के फरिश्ता 2 बनाएंगे? फरिश्ता 2 तो बनना ही है लास्ट में जो है। हाँ। सो दिखाया गया है कि अगले भी पिक्चर में दिखाएंगे हम। हाँ। तो हो सकता है इससे भी टॉप पिक्चर निकलेगा। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे, पार्ट इससे भी बढ़िया रहेगा। अच्छा, ये तो अभी पागल का लो लास्ट में बाप जाता है उस समय तथी हो जाते हैं, नर्वस होकर के ये गिर जाते हैं, जब इनके घर में आता है खेसारी लाल जी के घर में इनका माँ बाबू जी, तब वो बेहोश होकर के गिर जाते हैं, वहीं पर में पिक्चर एंड हो जाती है। तो अगले पार्ट में जो है इसका पूरा रिव्यू दिखाया जाएगा। अच्छा अंकल, आप टोटल जो वीना सिनेमा का इनकम है इस फिल्म का वो आप बता सकते हैं, एक मिनिमम मैक्सिमम लगभग अभी लगभग 2 लाख के गया होगा, हमारे यहाँ रेट कम है, 40-50-70 रेट है। हाँ। तो हमारा रेट कम है,
इसके लेकर के 2 लाख तक मान के चलिए। टोटल पूरे बिहार झारखंड पूरे कितना सिनेमाघरों में ये फिल्म लगा है? ये तो हमको अंदाज़ा नहीं है कि कितना घर में लगा हुआ है, लेकिन इतना जानते हैं कि हर जगह पिक्चर ये जो है लगा हुआ है, चल रहा है। आप लोगों को बता दें कि लगभग 25 से 27 सिनेमाघरों में फरिश्ता फिल्म को लगाया गया है और सारे सिनेमाघरों में लगभग 2 से 3 लाख ये फिल्म कमाई कर लिया है। तो आप लोगों को टोटल अगर कैलकुलेट करके बताएं तो लगभग ये फिल्म अभी तक 1 करोड़ का कमाई कर चुका है। सही है अंकल? सही बात है, सही बात है। हर जगह का कलेक्शन अगर देखा जाए, आज भागलपुर से भी फोन आया था, वहाँ भी बहुत अच्छा जा रहा है। खेसारी लाल यादव को कोई भी, अगर भोजपुरी के कोई भी सुपरस्टार है तो एक्टिंग में उनको दबा नहीं सकते हैं, और कहा जाता है कि एक्टिंग के बादशाह हमारे सुपरस्टार, ट्रेंडिंग स्टार, हिट मशीन खेसारी लाल यादव ही हैं, तो उनको तो भाई कोई दबा नहीं सकता। अंकल सही है ना? सही है, सही है। बाकी इस चैनल के बारे में और फरिश्ता फिल्म के बारे में जाते जाते क्या कहेंगे? जाते जाते कहेंगे यही कि इस तरह से अगर मेहनत करते गए खेसारी जी तो ये बहुत आगे तक जाएंगे, बहुत आगे तक जाएंगे, बिहार और भारत का नाम रोशन करेंगे, एकदम रोशन करेंगे, साथ साथ आप लोगों का भी नाम रोशन करेंगे, जरूर करने वाले चाचा का भी। बाकी इस फिल्म के बारे में आप लोग क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अंकल का बात कैसा लगा और फरिश्ता फिल्म आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस फिल्म को देखने के लिए आप सभी तमाम दर्शकों का दिल से धन्यवाद, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी तमाम दर्शकों का दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय।